क्यों मरे हुए व्यक्ति को तीन चीज कभी नहीं पहनना चाहिए? इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये बात हम सब जानते और समझते हैं, बावजूद इसके किसी अपने की मृत्यु पर हमें काफी तकलीफ होती है और हम कई दिन तक शोक में डूबे रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन किसी जीव या इंसान का जन्म होता है उसी दिन से यमराज उसके पीछे लग जाते हैं। उसके बाद मौत का समय आने पर इस दुनिया से उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मृत्यु के बाद का सफर कैसा होता होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इसे लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। मित्रों, ऐसे ही ज्ञान की बात जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यही नहीं, मृत्यु के बाद पीछे जो रह गया है उसका क्या होगा, या यूं कहें कि मरने वाले व्यक्ति की चीजों का क्या होगा, इसके पीछे भी कई धारणाएं हैं। ज्यादातर परिजन अपने प्रिय के मरने के बाद उनकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग इन्हें नष्ट कर देते हैं, लेकिन असल में इन चीजों का क्या करना चाहिए ये कोई नहीं जानता। आज हम आपको ऐसी ही तीन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा, जो कि जीवन का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जो मृत्युलोक में आया है उसे एक न एक दिन शरीर छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना ही है, लेकिन फिर भी मनुष्य इस संसार में आकर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ जाता है और मृत्यु के बाद भी उसका इन वस्तुओं के प्रति लगाव नहीं जाता है। कभी कभी उसका अपनी चीजों के प्रति इतना ज्यादा मोह होता है कि वो मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता है। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी तीन चीजें हैं जिनका भूलकर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कौन सी हैं वो तीन वस्तुएं। मृत व्यक्ति के कपड़े। जी हाँ, आपने सही सुना, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भूलकर भी अपने शरीर पर इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उसकी आत्मा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें आपको सताने लगती है। बता दें कि जो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल करता है उसे वो आत्मा शारीरिक व मानसिक कष्ट देने लगती है। इन कपड़ों से व्यक्ति के मन व तन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति को बार बार अपने मृत परिजन के ऊर्जा का आभास होने लगता है। तो इसी कारण से गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृतक व्यक्ति के कपड़ों का भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मृत व्यक्ति के कपड़ों को याद के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप उनके वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। मृत व्यक्ति के गहने। मान्यता है कि मृतक व्यक्ति की आत्मा का आभूषण के प्रति लगाव अपने कपड़ों से ज्यादा होता है, तो ऐसे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी मनुष्य को अपने मृत परिजन और मृत स्त्री के आभूषणों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का उनके आभूषणों और गहनों से बहुत अधिक लगाव होता है, मृत्यु के बाद भी उनका इन वस्तुओं के प्रति लगाव कम नहीं होता। बता दें कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जो भी व्यक्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है या फिर आभूषणों का उपयोग करता है तो ऐसे में उस मृत परिजन की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जिस कारण से उसे शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मृतक व्यक्ति के गहनों को पहनना नहीं चाहिए।
लेकिन आप इन गहनों को घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर इन गहनों को नए तरीके से बनवा कर पहन सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में ही इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति के मरने से पहले आपको अपने गहने भेंट में दिए हैं, तो आप इन्हें पहन सकते हैं। लेकिन अगर मृत परिजन ने गहनों को संभाल कर रखा हुआ था, जिससे उनका बहुत अधिक लगाव था, तो इसे भूलकर भी पहनने की गलती न करें। मृत व्यक्ति की घड़ी की बता दें कि कपड़ों और गहनों की तरह ही घड़ी को भी मृत व्यक्ति के ऊर्जा का स्रोत माना गया है। घड़ी व्यक्ति के साथ जीवन भर जुड़ी रहती है और उसके समय का निर्धारण करती है और व्यक्ति के अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा रखती है। इसलिए व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई होती है। जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी को पहनता है, उस पर इन ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो मृत परिजन व्यक्ति के सपनों में बार बार आकर उसे कष्ट देते हैं। अतः आप भी मरे हुए व्यक्ति की घड़ी का भूलकर भी इस्तेमाल न करें।